आणि ते रोज लावतात गंदा. मी आजपासून सुरू केलाय रोज. थँक्यू सो मच. ऍक्च्युली वारकरी संप्रदायातले आम्ही सगळेच, म्हणजे अग्रेला आपण सगळेच आहेत आणि आमच्या आजोबा तर रोज लावायचे ज्ञानेश्वरी वाचून. तर कुठेतरी मनात आलं की काहीतरी करायचं, तर मग तेच केलं तर जास्त योग्य राहिले. आणि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या निमित्ताने केलं तर ते आयुष्यभर एक आपल्याला काय म्हणतात ना, सुंदर आठवण पण त्याने बनेल. सो स्पेशली आप दोनों के लिए और आपके भैया अगर आते तो. आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है 19 अगस्त, और जो कि आज ये स्टूडियो का 5th एनिवर्सरी भी है, और उसी के साथ आज हम लोग एक साथ फोटो टूर को भी जाने वाले हैं, राइट. और सागर जी भी आज हमें जुड़े हैं, तो बाकी हम तो रोज मिलते ही है, लेकिन सागर जी ऐसे कि जो आज हमारे साथ यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, तो हम उनको ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि वो आज ही मिले, उतना एंजॉय करेंगे. और आज पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है, सिर्फ इंडिया में नहीं. लेकिन एक ही है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर आप है, तो हम चाहते हैं कि आप इतना खूबसूरत कलाकारी दिखाए आपकी फोटोग्राफी में, कि इस खूबसूरत फोटोग्राफी इंडस्ट्री को और खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है, मिलकर करेंगे. लेकिन आपकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है अभी, राइट. जो कि मैं बचपन से फोटोग्राफी करते आया हूँ और लगभग 25 to 26 ईयर्स हुए इस फोटोग्राफी इंडस्ट्री में. और पहले ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे वगैरह ऐसा नहीं होता था, मतलब ये भी एक ये 10 सालों में इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ है. और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अकॉर्डिंग बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स अरेंज करती है, इवेंट्स अरेंज करती है. और इस दिन एक फोटोग्राफर जितने भी है, एक अलग रिश्ता हम लोग हमेशा वो जताते हैं. तो मुझे लगता है कि एक दिन के लिए ना रहे, ये हम सालों साल साल भर पूरे ईयर में हम फोटोग्राफर एक दूसरे से जुड़े रहे और हमेशा से ही हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते रहे. ये एक दिन के लिए नहीं, शुभकामनाएं कि और खूबसूरत काम आपके दृष्टि से बने. और कला दृष्टि हमारा सब कुछ है, ऊपर वाले ने हमें कुछ तो अलग बनाकर भेजा है इस दुनिया में, और इसीलिए हम लोग फोटोग्राफर हैं. जो जनरल कॉमन लोगों को जो नहीं दिखता है, वही किसी कलाकार को दिखता है, और इसीलिए उसकी खासियत वो होती है कि जो किसी को नहीं दिखता वो कलाकार को दिखता है. तो मराठी मध्ये म्हणतात की जे न दिसे नेत्री ते दिसे चित्री, असं मी काय म्हणतो की जे न दिसे नेत्री ते दिसे छायाचित्री, क्योंकि हम छायाचित्रकार है, तो छायाचित्र से हम लोग प्रेजेंट करते हैं. आपने कल जो एग्जीबिशन देखा, शायद मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस आपका रहेगा, और जो शायद आपने सोचा भी नहीं रहेगा, वो वहाँ पर देख के ऐसा आपने फील किया होगा कि यार ऐसा भी हो सकता है, राइट. तो यही करना है आज हम लोग दिन भर जो फोटो टूर के लिए जाने वाले, तो एक्सप्लोर द नेचर. मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार नेचर से जितना खूबसूरत आगे अपने आप को बना सकता है, या नेचर जो दे सकती है, नेचर से हम लोग है, नेचर का एक पार्ट है, तो नेचर में अगर जाए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को, तो उससे तो और खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता है. तो आज हमें नेचर को पहले आंखों से देखना है और बाद में उसको कैप्चर करना है कैमरा से. पहले आंखों को समझना चाहिए कि खूबसूरती क्या है, क्योंकि कैमरा को कुछ नहीं समझता. कैमरे के पीछे जो आंख है वही सब कुछ है, और इसीलिए तो हर एक की आइडेंटिटी अलग है, हर एक का काम करने का स्टाइल अलग है. तो वहां पे जाने के बाद आप जो भी नेचर के एलिमेंट्स हैं उनको इतना अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि आपका जो भी ज्वेलरी रहेगा, जो भी आपका ड्रेस, जितने भी पैटर्न्स बने, सब कुछ नेचर से ही आया हुआ है. उसी का स्टडी करना ही अपने लिए सब कुछ है, कि अगर नेचर में क्या खूबसूरत कर सकते हैं. और जिस जगह पे हम लोग जाने वाले हैं, उस जगह को हमें थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी भी फूल पत्ते को नहीं तोड़ना है, ओके. या फिर अपना अगर पानी का बॉटल है तो वो वहाँ पे प्लास्टिक नहीं फेंकना है. ये अगर हम लोग अच्छे से संभालेंगे तो नेचर हमें रिटर्न में तो सब कुछ नेचर ही दे रहा है, लेकिन हम शायद नेचर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे. तो रिस्पेक्ट परिवार और फोटो आर्टिस्ट स्कूल ऑफ फोटोग्राफी आर्ट, हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम लोग प्री वेडिंग शूट भी करने जाएं, तो अपने से वहाँ पर कुछ भी एक प्लास्टिक का छोटा सा मतलब कागज का टुकड़ा भी नहीं वहाँ पर गिरना चाहिए, या फिर ना बॉटल डालनी चाहिए. अगर वहाँ पे हमें दिखता है तो वो भी हम लोगों ने उठाकर उसको बाद में कहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं उसको. जैसे
जलाना चाहिए या बाकी वो तो बाद में करेंगे, लेकिन वहां से उसको उठा के क्लीन, नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि नेचर में सिर्फ हम लोग जा रहे हैं शूट करने के लिए, लेकिन नेचर ही खराब हो जाएगा उसको अगर हम लोग खराब कर देंगे तो शायद हम वहां पर जा ही नहीं पाएंगे। ओके, तो आज अपनी जिम्मेदारी है कि अगर हमें कुछ लगता है कुछ यहाँ से और कुछ लेके जाना, अगर वहाँ का कुछ खराब प्लास्टिक वगैरह दिखता है वो क्लीन करना, तो हम साथ में आज वो बैग्स कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है इससे बढ़िया वर्ल्ड फोटोग्राफी और कुछ नहीं हो सकता है। अगर हमें सालों साल अगर इसी सब्जेक्ट में काम करना है तो पहले नेचर से जुड़ना होगा और नेचर को नीट एंड क्लीन रखना होगा, ताकि नेचर भी हमें नीट एंड क्लीन रखे। तो आप सभी को वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं मैम को ही बोलूँगा कि वो पूजा करें कैमराज की, द किड्स फोटोज़ का स्टूडियो का आज 5th एनिवर्सरी है, तो मैडम ने द किड्स फोटोज़ को अभी एक नए मुकाम तक लेके जा रही मैम, और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि एक एक कहते हैं एक ड्रीम रहता है हर एक का, एक ड्रीम कंप्लीट हुआ है, वो आज आप सभी के साथ शेयर करना है। एक एक कोई भी फोटो स्टूडियो रहता है, कोई भी फोटोग्राफर रहता है, एक ड्रीम रहता है कि अपने स्टूडियो में कुछ इंटरनेशनल सेशंस हो जाए, राइट। तो हम लोगों ने भी ऐसा कभी इतना डीप में नहीं सोचा था, लेकिन सोचा था कि इंटरनेशनल सेशन यहाँ पे हो जाए, तो वो ड्रीम कंप्लीट हो चुका है, आपको शेयर करना है। और ऑस्ट्रेलिया के एक फोटोग्राफर है सीसी वॉन्ग करके, तो उनका न्यूबॉर्न बेबी फोटोग्राफी का वर्कशॉप यहाँ पर नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है, और जो द किड्स फोटोज स्टूडियो में यही स्टूडियो में होगा 2 days का, आई थिंक 28th or 29th of September। और ये अपॉर्चुनिटी स्टूडियो को मिला मैम का जो काम है वो पोर्टफोलियो देखकर भी मिला, तो सीसी वॉन्ग जो एक्चुअली ये ग्लैम फिल्म ने अरेंज किया हुआ वर्कशॉप है, और उन्होंने स्टूडियो को चुना कि यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो मुझे लगता है कि ये हमेशा एक माइलस्टोन रहेगा और हमेशा यादगार रहेगा पूरे करियर में। और बस शायद हम सब जो मिले हैं यही एक पॉजिटिव एक एनर्जी एक साथ आती है, और बहुत कुछ अच्छे काम हम लोग करने लगते हैं, तो उसी का एक पार्ट मानते हैं हम लोग। तो यहाँ के जितने आज तक बेबीज आए शूट के लिए, शायद उनका एक ब्लेसिंग्स रहेगा स्टूडियो का, स्टूडियो के लिए कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर मिले। और बस इसी स्टूडियो का अगर आज एनिवर्सरी है तो हम लोगों ने वो मनाना चाहिए खुशी खुशी से। तो चलिए मैम आइए पूजन कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े, और बारिश भी आ चुकी है तो देखते क्या करना है। ऐसे कुछ ओल्ड कैमरा अपने पास आप देख लीजिए बाद में, तो कैसे बदलाव हुए और हम कितना इजी अभी शूट करें कि मोबाइल पे भी कैमरा है। अभी पहले एक रूम के इतना कैमरा था, तो शायद हम बहुत इजी इसमें आए। अभी हम हमारे लिए एक ही चैलेंज मेन है कि क्रिएटिविटी, कि जितना क्रिएटिव काम करेंगे, क्योंकि फोटोग्राफर तो घर घर फोटोग्राफर ये कंडीशन है आज, तो उसमें प्रोफेशनल आउटपुट अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो वो देना ज़रूरी है। जिस एरिया में जाने का सोच रहे वहाँ पे तो इससे कई गुना ज़्यादा शायद बारिश होगा, क्योंकि पूरा पहाड़ों का एरिया है, तो सोच समझ के प्लान करते हैं।
गणपति बप्पा कैमरे जमा होते ड्राई कैबिनेट मध्ये ठेवा लागतो सगळ्यांचं मिळून तू जेत्र सर सबका लीड करेगा और कोई करना मेहमान सूरज पूरे दुनिया का ही ऊर्जा स्रोत है तो बस हम उसी की पूजा ज्यादा करते हैं सब सूर्यवंशी और हम चाहते हैं कि लाइट अगर हमें समझे तो हम बहुत कुछ खूबसूरत काम कर सकते हैं तो आज के लिए यही शुभकामना है कि हम लाइट को समझने लगे और लाइट का ही स्टडी करें मैक्सिमम और लाइट के साथ जो हम लोग रोज जो शेप्स और एनाटॉमी आकार बाकी सब कुछ जो स्टडी कर रहे हैं उसको और डेप्थ मिल रहे और ऐसे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सालों साल सब मनाते रहे वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सो मच हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे Happy World Photography Day. 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 Happy